हेलो गाइस, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों को कल का व्लॉग बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा जो मैंने ऋतिक और प्रशांत के साथ बनाया था, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि काजल इनके साथ और व्लॉग्स करो। पर गाइस, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब कोई ऑफिस जाते हैं, किसी का बिजनेस है, कोई कॉलेज जा रहा है, संडे को वो फ्री होते हैं, तो हम लोग संडे ही मोस्टली मिल पाते हैं। और फिर जब मिलते हैं ना, तो हम ये ट्राई करते हैं कि व्लॉग ना करें यार, क्यों इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो फिर बैठ के बात ही करें। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी तुम लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट निकाल पाऊँ अपने से और तुम्हें हंसाती रहूंगा। बाकी तुम लोग मुझे बता देना कि फिक्स टाइम कौन सा रखूँ, तो मैं वही टाइम रखूंगी फिक्स, और रोज उसी टाइम पे व्लॉग्स आएंगे। बाकी आज आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम क्या व्लॉग करने वाले हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट गाइज। और उसके लिए भी मुझे सामान लेने भी जाना है। सबसे पहले तो मैं घर जाऊंगी और मम्मी की बनारसी साड़ी लेकर आऊंगी, या सिल्क की साड़ी या जो भी, और हम उसको खुद ड्रेप करेंगे एज अ वो महाराष्ट्रियन साड़ी, हाँ यही बोलते हैं गाइज आई गेस। तो मेरी मम्मा के पास कांजीवरम साड़ी भी है और बहुत सारी है, तो उसमें से मैं चूज़ करके लाऊंगी कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं। सबसे लाइट ही लाऊंगी कि मैं थोड़ा टैकल और हैंडल कर पाऊँ। बाकी अभी हम जाएंगे नीचे चांद बिंदी लेने, गजरा लेने, और कांच की बैंगल्स लेने भी आई गेस ग्रीन, अगर मम्मी के पास मिल गई तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिली तो हम वो लेने जाएंगे। शिल्पा तैयार हो रही है, अभी हम उसका वेट करें और फिर चलते हैं। गाइस, आज मैंने इसकी आउटफिट बनवाई है और ये कह रही है कि मैं बहुत ही अजीब लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, वो लग रही हूँ। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। कमेंट करना, क्योंकि ये मैं इंस्पिरेशन काजल से लेकर ही पहन पाई हूँ, क्योंकि इसने ही कैरी की थी। लार्ज साइज है ये शर्ट का। अरे हम हिप्पी हैं। पापा बोलते हैं जब भी लूज कपड़े पहनते हैं कि तुम लग रही हो हिप्पी। हम हिप्पी हैं भाई, अच्छी लग रही है काफी। सही में मेरी समझ से कपड़े पहना कर तो बहुत जिंदगी में तरक्की मिलेगी तुझे। सो गाइस, अभी हमने शिल्पा को ड्रॉप कर दिया और अब हम लोग जा रहे हैं, ये क्यों लाइट जलाई है हमने, और अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने मार्केट। तो देखते हैं ऑटो वाले अंकल हमें कैसे देख रहे हैं और हमें कॉन्शियस कर रहे हैं, तो देखते हैं हमें सामान मिल पाता है नहीं। और शिल्पा ने बोला कि हमें नथ भी लेनी है, तो फाइंड आउट। सो मेन टास्क है हमारे लिए नाक की नथ लेना, और मुझे बिल्कुल भी ये सब सामान लेना नहीं आता। अगर मुझे उन्होंने 1000 रुपीज की बताई तो मैं 1000 की ले आऊंगी, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करने में शर्म आती है और ना मेरे से हो पाती गाइस। पर देखते हैं साहिल करते हैं या नहीं, और सस्ते में हम लेके आते नहीं, क्योंकि शिल्पा कहती है कि वो पागल बना सकते हैं मुझे। सो लेट्स सी, मेरी आँख कितनी अच्छी लग रही है धूप में, वाओ। सो गाइज, हमने फाइनली सामान ले लिया, और मार्केट में मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में व्लॉग करना। तो ये सारा सामान हमने ले लिया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और अभी मुझे गजरा लेना है, तो मैं सोच रही हूँ, ओहो तुझे क्या कहना है ऐसा, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश गजरा ही लूँ। तो अभी तो पहले जा रही हूँ मम्मी के पास, क्या है वो फेक, अभी तो जा रही हूँ पहले मम्मी के पास साड़ी सेलेक्ट करने, और फिर जब शिल्पा भी फ्री हो जाएगी अपना काम करके आ जाएगी, फिर हम सीधा क्या, फिर तुम देखोगे सीधा गाइस। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास और साड़ी सेलेक्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली शिल्पा आ गई है, और मेरी हालत तो बड़ी बेकार हो गई इतनी देर इसका वेट कर करके, और 10:30-11 बज रहे हैं ना, 12:30 ओह 11:30-11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं गाइस, तूने 12:30 बोला पर 12 बज रहे। और अभी शिल्पा और मैं फोन में देख रहे हैं कि हमें वो साड़ी कैसे ड्रेप करनी है, तो जो वीडियो मैंने निकाली है वो भी महाराष्ट्रन लैंग्वेज में मराठी बोल रही है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर देख देख के तो बांध लेंगे। तो अभी बिना डिले करे, क्योंकि मुझे नींद बड़ी तगड़ी आ जाती है गाइस जल्दी, तो फटाफट पहनते हैं। और मैंने इनको यही नहीं बताया मैं कर क्या रही हूँ इस व्लॉग में, वो तो थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। मैंने यही बोला कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, बट अब तक इनको नहीं पता मैं करने क्या वाला। तो अब मैं सीधा जब करके आऊंगी गाइस जो भी मैं करने वाली हूँ इस व्लॉग में, तो तुम्हें दिख ही जाएगा। मेरा फेस बहुत डल लग रहा है भाई अभी इस टाइम पे, ऐसे की मैं पता नहीं क्या पिट के आई हूँ कहीं से या क्या, पर कोई नहीं, अब चलो फटाफट रेडी होते हैं। तो गाइस, मैंने मेकअप तो कर लिया है, मेकअप में ज्यादा कुछ नहीं किया, लाइट लाइट से ही किया, बस लिपस्टिक डार्क लगा लूंगी तो थोड़ा ग्लो आ जाएगा फेस पे, कंसीलर सेट हो जाओ जल्दी, आपको साड़ी बनाऊं काजल रानी। और हमने साड़ी जो चूज करी है वो है ये, एक और भी है अगर तू चाहे तो पहन सकती है, मैं लाई हूं दो। मम्मी की साड़ी लाए हैं मांग के मम्मी से, और ड्राई क्लीन बिल्कुल साफ साड़ी में अब हम कर देंगे कार। हमने सीख लिया फटाफट की कैसे पहननी है, तो हम शुरुआत करें, और मैं अपने इस ट्राउजर पे ही पहन रही हूँ क्योंकि पहन सकते हैं, है ना। चल गाइस, फाइनली हम लोगों ने ट्राइपॉड पे लगा दिया फोन, क्योंकि अभी होने वाला है बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम शुरू, तो चलो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मुझे फटाफट करना है, इधर से इतना ही एक मीटर छोड़ना है और छोड़ना नहीं, एक मीटर ये होता है, एक मीटर इतना ही होता है, एक मीटर बस ये
वो पजामे के अंदर करनी है। पजामे के अंदर करना है वो? हाँ और क्या, सुपर ही है। मम्मी अगर देख रही है तो कहेगी मेरी ड्राई क्लीन वाली साड़ी को क्या कर रही है ये, यार दोबारा करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुझे कहा था तुझे और डार्क कलर लेना चाहिए था, पर ये बहुत सुंदर तो लग रहा है यार। जितना भी मैंने ट्यूटोरियल वगैरह देखा सबने प्लेन और पतली सी साड़ी ली हुई थी। वो तो खैर, पर कईयों की तो बहुत हैवी भी थी। ये जो सीन है ना, अब ये साड़ी खराब, एक ही कर ले, उसको अंदर करो, आगे से ऐसे दिखेगा, वो तो हाइट हो जाएगा ना, पल्लू पेट इतना मोटा लगेगा, पल्लू आ जाएगा, हाइट हो जाएगा। नहीं नहीं रुक जाओ एक सेकंड, इधर आओ। ये नहीं करना मुझे, करने तो पहले फर्स्ट इसको करना है, रुक जाओ। पिंगा का पौड़ी पिंगा कैसे करती है प्रियंका चोपड़ा, स्टेप भी नहीं आता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तूने छोटी ली है ये। कर और कर, आगे पूरी पीछे घूम, यार ये चुप रही है साड़ी, काजल फिर ये थोड़ी वो वाली साड़ी है ना, मैं चक्कर आ। चल अब सीधी हो, मैं चक्कर आ रहा है। परफेक्ट जा रहा है सब कुछ हमारा जो हमने किया था, अब ये अंदर। शिल्पा एक सेकंड, हाँ। मैं मछली बेचने थोड़ी जाऊंगी इतनी ऊंची। तो तुमने पजामा ऊपर किया हुआ है, नीचे कर ले। बस बस वो पल्लू में आ जाएगा, हम बाद में नीचे कर ले। ये निकालो पिंगा का पौड़ी, कैसे सॉन्ग है मुझे तो आता है। पिंगा का पौड़ी, पिंगा का पौड़ी, पिंगा का पौड़ी, पिंगा। ओ मैडम एक सेकंड रुके, हक्का भाई हल्ला मचाए रे, ऐसे ही गाना था ना मैंने जब डीआईडी आता था, डीआईडी लिटिल चैंप्स, उसमें देखा था। यार वैसे डिफिकल्ट तो है, अच्छा काजल को पहना रही हूँ तो कल के लिए मुझे इजी हो जाएगा। यार वैसे हमारे इंडिया में कितनी ट्रेडिशंस हैं और कितनी वो है अलग अलग टाइप की चीज, अगर हम सारी ट्राई करने बैठ गए शिल्पा तो हमारे 365 डेज ऐसे निकल जाएंगे। ये साड़ी तो नहीं, ये फूली फूली इसलिए है क्योंकि हमने गुछड़ कर रही गुछड़ नहीं है इसमें, जब ये प्लेट्स बनेंगी ना ऐसे तो ये पूरी सेट बैठेगी। ये देख अब पीछे दिखा इनको, गाइस बता रहा मैंने सही नहीं पहनाई है कितनी, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तो आ एक बार और मैं पिन लगाऊंगी, ठीक है, जब ब्लाउज पहन के आ। So guys, शिल्पा ने मुझे ये अपने दहेज का सामान दिया है, ये गोल्ड का सेट है जो दिया था, ये दहेज का जो मुझे पहनना है अभी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए, और मैं अब पूरा लुक लेके ही तुम्हारे पास आऊंगी, उससे पहले मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो गाइज अब हमने सॉरी उल्टा दिखा रही हूँ, हमने अब चेंज कर लिया है, हम पहनने वाले हैं ये, क्योंकि शिल्पा ने कहा थोड़ा हैवी पहन, तो हैवी में यही अच्छा लग रहा है तो हम पहनेंगे इसी को। मम्मी मिला नहीं क्या आपको सामान? यार मेरे बाल थोड़े बने नहीं है परफेक्ट। कोई नहीं ना, तो जैसे अब स्ट्रगल तो दिखा ताकि मुझे थोड़ा सा आप सिखा पाए। मैं क्या पहनूं, ये अच्छा लग रहा है ये वाला पहन, ये हाँ ये बहुत सुंदर है, पर वो इससे अच्छा तो ये है यार, गोल्ड का पहनते हो ये। हाँ ये कैसे पहना जाता है, ये और ये तेरा ही तो है। मेरा तूने तो दिया था मुझे, याद कर। अच्छा नहीं ये मेरा है, तेरा सेम है छोटा सा, ये वाला मेरा है। कैसे पता? परफ्यूम की मेरी खुशबू आ रही है इसमें से। तेरा मेरा क्या ही है, सब तेरा ही है। ये सर अब तो ये पहन लेगी तेरा फोक कहाँ लग जाएगा। सॉरी गाइस सॉरी, ये पहन। हाँ मम्मी ये ज्यादा झरोके, मम्मी झरोका पसंद आ रहा है मुझे, और ये मम्मी के पास वो थी जो कमर पे पहनते हैं है ना, छिल गई, हेल्प करनी पड़ेगी क्या? नहीं हाँ ऐसे चिपका इसको, ये सुंदर लग रहा है गाजर, और ऊपर करके पहन गले में, और ऊपर करके पहन, और नहीं पहना जाएगा बस ठीक है। तू बिल्कुल ही और ऊपर वाला नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। इयररिंग्स भी पहनो इसके, तभी तो अच्छी लगेगी यार इसमें, क्योंकि बन बना रहे हैं ना, कैसी गंजी पापा लग रही है। और ये मैं बिंदी भी लाई हूँ ये वाली, तो पहले ये भी लगा लेती हूँ तुम्हारे गाजर, ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है साड़ी का ना। हाँ। ये मैंने अपनी चॉइस की, चलो 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 आप पूरी हिस्ट्री बताने लगती है। वो आंटी ने 20 रुपए की बिंदी का पैकेट दिया, और ये कैसा मुड़ी थोड़ी बिंदी है, मुड़ी थोड़ी चांद बिंदी है ये, तेरी चांद सब आरा टेढ़ा करके शुरू कर, आरा टेढ़ा है और क्या क्या हुआ मम्मी, तेरे कभी भी इयररिंग्स नहीं आते कभी भी। देखना यार कितनी परफेक्ट साड़ी बनाई है, आई भाई पसीने आ गए मेरे, कभी भी इयररिंग्स नहीं आता कान में कोई भी, तू पहना कर इसीलिए तो नहीं आता यार। गुस्सा तू पहना कर भाई, अरे मुझे तभी इयररिंग्स बहुत गंदे लगते हैं। सो गाइस मैं लाई हूं फेवरेट डार्क ग्रीन बैंगल, पूरी प्लेन बस बैंगल्स ही पहनूं, कड़े नहीं लगाऊं, कड़े लगा ले बीच में ना, फ्रंट पे बीच में लगा ले, सेट बना ले, वैसे प्लेन अच्छी लग रही है। सबसे मेन पार्ट तो मुझे तुम्हें दिखाना है गाइस, जो मैं अपनी नथ लाई हूं, ठीक लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत मस्त,
तो ये है मेरी नोज पिन एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। ठीक है शुल्का? हाँ, तो अपनी और मेरी सेम नहीं लाई थी? अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। हाँ, साहिल को तेरे लिए वो पसंद आई थी जो उन्होंने ली है। ओके, किस साइड पहनते हैं? इधर इधर लेफ्ट। हाँ यहाँ पे यार, ये इधर लगवा दे। नहीं नहीं, इधर की स्माइल ज्यादा अच्छी है। वो इधर ही लगती है, उल्टा पर मैं लेफ्ट ही हूँ। ये मेरी फेवरेट खुशबू है शिल्पा, इसको तो तू ही लगा पाएगी। मेरे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। तू पकड़ ले ना, मैं एक बढ़िया लग रहा है, सुंदर। मैं दो लाई थी कि बड़ा भी बहुत है यार, एक ही इनफ लग रहा है। देख लेते हैं दोनों पहन। मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना, मुझे ना इतना बड़ा ये गजरा और एक और ऐसे ही, दोनों 100 रुपीज के दिए हैं भैया ने। सस्ते हैं। सस्ते हैं? हाँ। साहिल करते महंगे हैं बहुत। कोई नहीं यार, नहीं 80 रुपीज का आता है वैसे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल प्राइस क्या होता है इनका। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खरीदा है खुद से। अच्छा, तो मुझे बताना। मैं 30 रुपीज का लाई थी, पर इतना बड़ा नहीं था वो। वो छोटे होते हैं। हाँ, वो छोटा था। सही तो लग रही हूँ मैं, वैसे कुछ गंदी नहीं लग रही। बहुत सुंदर लग रही है। एक में ही काम हो जाएगा तो और क्या। एक तो अपने लिए रख लियो कल के, और एक मैं रात को हाथ में बांध के सोऊंगी। ठीक है। ये तो आज हम आज इस टकली कर रही है। पागली हो गई है। चलो प्रॉपर लुक दिखाते हैं। रुको, चलो करो उसको। कर ली मैंने। चल अब दिखा। चलो अब देखो भाई। इसी बात पे एक परफॉर्मेंस हो जाए काजल रानी। परफॉर्मेंस किस पे करूं? यार ये मेरे फंस रहा है। यार तूने क्यों पहनी? ये तो वो था गणेश चतुर्थी चल रही है ना। ये सभी तो शिल्पा 5 दिन है अभी। पक्का ना? 6 दिन बताए थे कल मुझे, इसलिए 5 बोला मैंने। अगर गाइस मिस्टेक हो जाए तो मैं माफ कर देना। आप बता देना कब है। बाकी हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी नहीं ला पाए क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे सेवा करते हैं और कैसे क्या करते हैं। हमारे घर पे कभी आए नहीं है ऐसे। नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे। तो सबको देख के मेरा इतना मन हो रहा था, सब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लुक ले रहे हैं, तो मैंने सोचा गणपति जी नहीं आए तो क्या हो गया, हम लुक तो कर सकते हैं ना गाइस, ऐसे हम खुश तो हो सकते हैं ना वो लुक लेके। तो इसलिए मैंने ये लुक ट्राई किया। और ये भी मुझे शिल्पा ने बोला करने के लिए, तो आइडिया यहाँ से आया शिल्पा के दिमाग से। पर मैं बहुत जल्दी पहन के खड़ी हो गई साड़ी। क्या हो रहा है तुझे? निकल रही है। कोई नहीं, उसको छेड़ मत। वो तूने टाइट नहीं की काजल। कैसे करूं? कैसे रील्स बनाएगी, बड़ी प्लान कर रही थी। बस अब सही है, अब सही है। तुझे नहीं पता कुछ सही नहीं है। मोर कहाँ जा रहा है? अगर ये निकल गया तो देख लेंगे, छोड़ दे अभी। चलो तो गाइस, क्या बोलते हैं मराठी में, कुछ एक आधा वर्ड तो बोलना चाहिए। यार मुझे मराठी का एक भी वर्ड नहीं पता। तो तूने पहले सर्च करना चाहिए। अक्का भाई हल्ला मचा, बस मुझे इतना पता है। और पिंगा का पोड़ी पता है, पिंगा का पोड़ी पिंगा, और कुछ नहीं पता गाइस मुझे। बाकी अभी हम फटाफट रील बना के आते हैं और फिर एक छोटी सी परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए। चलो गाइस, कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे चक्कर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों होता है ऐसे। आई गेस मेरा बीपी लो है। तेरा भी? अरे यार ये निकल रही है बार बार, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट। दिखा ये कैसी थी, तो तुझसे प्रेस नहीं हो रही थी? कोई नहीं रही, करके देख। ये ले कितना अंदर चला गया। क्या करा क्या है तूने? पहन इसको ढंग से। और हम कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे यार, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुझे कब चक्कर नहीं आते हैं यार? वीकनेस इसलिए क्योंकि खाते पीते नहीं हो तुम ढंग से। यार मैं क्या परफॉर्मेंस करूं, पर मैंने बहुत अच्छी रील बनाई है गाइस, तो उसी को मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी, जरूर देखना। और ओ यस, कैमरे के पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है, उसका मतलब है कि मैं टांगे ऐसे कर लूं। मैं ऐसे करती ना आदमियों की तरह, यार मुझे था कि मैं बोलूं कैसे। अब काजल रहने दो आप। इसकी बैटरी डाउन। सर पे वो दुपट्टा ऐसे ऐसे करके।
लग गई किस्मत। नहीं बनाई ढंग से साड़ी, बहुत थक गई गाइस। चल ठीक है, मैंने इतना ज्यादा लुक रिक्रिएट किया, मेरा कैमरा भी बंद हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी है गाइस, प्लीज मेरी मेहनत को लाइक देना और कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना। मुझे सही में चक्कर आ रहे हैं, पता है मुझे क्यों चक्कर आ रहा है? डिहाइड्रेशन की वजह से शायद। तो पानी क्यों नहीं पीती है? अब पीऊंगी माँ के साथ, मुझे गाइस चक्कर आ रहे हैं बहुत तगड़े। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और बस आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सानू नेड़े ला लाया सी गुची सेंटियां, दिल दे मौमे आदतां ने कंबियां, थोड़े जे आ रूड थोड़े आ रू घंटियां।